नेल पॉलिश का पिंडोरा बॉक्स देखिए इसको स्त्री चाहिए ड्रेस डिटेल आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज लाइटली ब्लूम बाय ज़ारा मेरी फाइनल लुक, <laughs> मेरी <फाएनल> लुक। <laughs> मक्का की खजूर <कुछूल> भी खूबसूरत व्यू पीले लड्डू नहीं नहीं मैं तो जान गई ऑल आर डूंग वेल मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ तो जी आज का जो व्लाग है ना वो मैं शुरू ही कोई शाम के पाँच बजे कर रही हूँ क्योंकि यार आज हम लोग शाम में कहीं बाहर जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग शूट ही शाम से कर लेते हैं क्यों भाई सारा दिन वही पांडे ठीक करते ही सब कुछ तो मैं उखादी रहा ठीक हो गया जी तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना अपनी नेल पॉलिश का पिंडोरा बॉक्स खोल के बैठी हूँ और ये मेरा भांजा अपनी नैपी तो छोड़ दे तुझे हालात देख लोले खैर यार ये मैं नेल पॉलिश का पिंडोरा बॉक्स खोल के बैठी हुई थी अभी पिछले दिनों मैंने जो है ना वो मेहून कलर की नेल पेंट अप्लाई की हुई थी और वो ये वाला कलर था तो सब ने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा था यार एक्चुअली मुझे नहीं पता कि ये वाली नेल पेंट्स कहाँ से हम ली हैं ये मेरी नन ने मुझे नेल पेंट्स दी थी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक ही तरह की नेल पेंट्स हैं छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी और अभी मैंने ये वाला कलर अप्लाई किया लेकिन ये वाला कलर ना बेसिकली मैंने महरून कलर के ऊपर ही अप्लाई किया है तो इसका बहुत ही प्यारा सा शेड निकल के आया तो उससे पहले मैंने ये वाला महरून कलर अप्लाई किया हुआ था छोटी छोटी सी बड़ी क्यूट सी लिपस्टिक है तो उन्होंने, से लिए। लेकिन उन्होंने मुझे की नेल थी, थी। अच्छा जी यहाँ पे आपकी बहन वो कपड़े इस्ते करी है यार इंस्टाग्राम पोल पे पूछा था कि आप लोग बताएं कि मैं कौन से पहनूं। तो मैंने दो सूट की पिक्चर लगाई थी अब पता नहीं वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है मैं एक घंटे तक चेक करूंगी लेकिन कपड़े सूट मैंने दोनों ही प्रेस कर दिए हूँ एक ये वाला और एक ये वाला जो है ना दोनों मैंने प्रेस करके रख लिया जी जी आपको क्या और इसको देखे इसको इसत्री चाहिए क्यों चाहिए भाई गर्म है ग मेरे बेटे को चोट लग जाएगी मतलब बच्चों के आप हालात चेक करें उसको गर्मी से सर्दी से कोई मसला नहीं हाँ मेरी जान उठा लूँ उठा लूँ सबको हेलो कर दो पहले ओ, बच्ची अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इंस्टाग्राम पे ड्रेसेस का पोल लगाया था तो बेज वाले का फोर्टी परसेंट आया है और इसका सिक्सटी परसेंट आया तो भी मुकाबला कांटेदार था इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस अब चूज़ कर लिया क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसको वोट किया था एसेसरीज़ मैंने यहाँ पर सारे रख लिए हैं अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि हाउ मच आई एम अपसेस्ड विद रिंग्स मुझे रिंग्स कितनी पसंद है तो खैर यार मैंने सारा यहाँ पर रखती है ये मेरा ओवरऑल ड्रेस है अब मैं पहनूँगी और फिर आप लोगों के साथ फाइनल लुक भी शेयर करूंगी बाकी ये कि ड्रेस डिटेल पोस्ट करूंगी मैं इन इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर तो आप लोगों ने वहाँ जाकर जरूर देखनी है मेरी ड्रेस डिटेल ठीक हो गया जी अभी हम होते हैं जी रेडी शेडी लेट नहीं होना अब हमने मे की ये जो बिनाइल एंड लिपस्टिक्स है ना ये मैंने तीन इकट्ठी कर ली हैं और आई थिंक इनके पास ट्वेंटी फोर शेड्स हैं टोटल आई थिंक आई एम नॉट श्योर लेकिन उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा लाइट है हमारी स्किन टोन के लिए लाइकेशन स्किन टोन्स के लिए तो मैंने तीन तो ले ली हैं अब मेनी मोर टू कम मैंने और बहुत सारी ये इकट्ठी करनी है अभी अपनी बहन को भी ये कह रही थी कि अगले महीने ना मैंने फिर ये वाली लिपस्टिक लेकर आनी है तो यार आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज और मैं इन सबको मिक्स करके भी लगाने लगी हूँ देखती हूँ कैसा शेड बनता है ना ये भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वैसे इंसान को तो बस अभी हम लिपस्टिक शिपस्टिक लगा के तो आपके सामने आते हैं और यार जिन्होंने ये वाली लिपस्टिक्स ना अभी अभी ख़रीदी हैं मैं उनको बताऊं मैं ना जब मैंने नई नई ये लिपस्टिक खरीदी ना तो मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ है की हैं इसको अप्लाई करने में लाइक like, मैं क्या करती थी कि डायरेक्टली इसको अप्लाई करके तो हम जैसा यूँ करते हैं ना उम्... ऐसे ऐसे कर देती थी मैं अभी तो यार लेकिन इनको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लिपस्टिक्स से आपने इसको पहले अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे करके शेक करना है अच्छे से शेक करने के बाद आपने अपने लिप्स के ऊपर इसको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना ठीक हो गया आपने ख़ुद ही इसको नेचुरली अपने लिप्स पर ड्राई देना है और फिर ये देखिएगा कितनी खूबसूरत ग्लॉसी बनेगी लेकिन है like, है है ये ये मैट लिपस्टिक लिपस्टिक लाइक नहीं वेट अ मिनट ग्लॉसी ग्लॉसी जो कि आपको फिनिश देती लेकिन इसका टेक्सचर मैट लिपस्टिक्स जैसा है मतलब ये आपकी लिप्स पे काफी टाइम के लिए स्टे करती है वरना ग्लॉसी लिपस्टिक्स ना फौरन से उड़न छू जाती है तो यस ये इसका सही तरीका परफ्यूम के लिए आज मैं यूज कर रही हूं यार ये लाइटली ब्लूम बाय जारा बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी बहुत ही खूबसूरत लाइक like, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ ना ही बहुत ज्यादा फ्रूटी है ना ही बहुत ज्यादा फ्लावरी है ना ही बहुत ज्यादा सिट्रसी है लेकिन बहुत मज़े की सेंट है अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तब भी आप किसी को दे सकते हैं अगर आपने अपने लिए लेना है तो यार बेस्ट चॉइस है बेस्ट चॉइस तो चलो यार हम लगाते हैं और फिर मैं अपनी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ क्योंकि अभी मैं रेडी शेडी तो हो गई हूँ ये रही जी मेरी फाइनल लुक अभी मैंने लिप्स पे जो है ना वो रेड लिपस्टिक अप्लाई किया क्योंकि आज ही मैं उसको नया नया लेकर आई थी यार ये क्या लग गया है यहाँ पर खैर जो भी है तो यार ये है मेरा ड्रेस ये मेरी अम्मी की चॉइस का है ड्रेस ये जूता भी मैंने सियालकोट से लिया था लोकल स्टोर से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था इस जूते का मेरी पिछली वीडियो में जब उन्होंने देखा था तो यार ये रही मैं असेसरीज से लद फत के ये वाले एयरिंग्स बहुत ही प्यारे एयरिंग्स हैं खैर यार मैं तो अपने आप को बहुत प्यारी लग रही हूँ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ अब सब हो गए हैं तैयार और सब पहुँच हैं नीचे और मेरा हो रहा है इंतज़ार <laughs> और महारानी की वीडियोस ही नहीं बन रही तो चलें यार मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ इससे पहले कि लहू लुहान हो जाऊँ बिस्तो बिस्ती नहीं होना मैंने हम लोग जी निकल आए हैं घर से और बच्चे हैं जी हमारे साथ रहा सफर ना आप म्यूज़िक के बगैर बहुत ही फजूल गुजरता है लाइक मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी में बैठती ना बस म्यूज़िक ऑन हो जाना चाहिए तो आप लोग भी मेरे साथ अपनी म्यूजिक इन्जॉय करें पहुंच गए उनके घर अब उनके इनके ये तो मैंने बताया ही नहीं मैं निकल पड़ती हूँ लेकिन आप लोगों को बताती नहीं हूँ कि मैं जा किधर रही जाऊँ मेरे भाई और भाभी माशाल्लाह माशाल्लाह से उमरा करके आए हैं एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड के कजन है लाइक उनके खाला के बेटे तो वो लोग अपना माशाल्लाह से पहला उम्र करके आए हैं तो हम लोग उनके घर मुबारकबाद देने के लिए आए थे यार इनकी बालकनी से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना ये काश मैं सनसेट सनसेट्लीटली कैप्चर कर सकती बट इट्स लुकिंग वेरी लुक एट दिस व्यू आप लोग भी मेरे साथ जो है ना इस व्यू को कोई करें जी हमने खाया है मजेदार लजीज किस्म का खाना ये रहे जी मेरे फेवरेट रॉयल कबाब के विंग्स और मैं खाना को भी बोल रही थी कि यहाँ के ना ये वाले विंग्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फिर जी से अपने सुकून मॉल से बैठ के खाना छाना खाया आप लोग भी हमारे साथ खाना छाना इंजॉय करें इसे क्या कहते हैं लड्डू वाह पीले लड्डू मोती <laughs> चूर के लड्डू मोती मौ, नहीं कहते मोती चूर के लड्डू कहते हैं लोगों के तुम्हारी बहनती पेंडू में उसको ये नहीं पता ये तो भी खोल के, तो के। चलो केक भी दिखा यार इसको खोले ना मैं जब के तो <laughs> नहीं, नहीं, मैं तो पेट से बाहर आएंगे सीखेंगे पे ना वो जो खातन वाला टाइम नहीं हो जाता वो हमारा टाइम हो गया तो तो हम लोग किचन में घरों के ना गप्पे शप्पे लगा रहे थे दूसरे की टांगे टूंगे खींच रहे थे मैं क्या देने ही करनी है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अनफिल्टर्ड ब्लॉग होना चाहिए सारिया दिन गाइदा तुम भी रख दो तुम भी इसे मुसलमान हो और फिर जी मैं भाई और भाभी दोनों को कह रही थी कि यार चलो केक शेक काटो क्योंकि हमारे बच्चों को केक काटना बहुत पसंद है साढ़ा छोटू मास्टर खेल जाएगा और की चाहिए लेकिन आज तो पता नहीं छोटू मास्टर को क्या हो गया था छोटू मास्टर साहब तो जो है ना उनके मुंह पे कहीं हंसी की रमक भी नहीं आ रही थी छोटू मास्टर है लास्ट में जी हमने किया मुँह मीठा के खाकर और उसके बाद जे फिर हम लोगों ने ली घर की जी। और ऐसे जी गए थक ते टूट वैसे ये थक टूट गए थे ना मेरा कलाम ही हो गया है वही कुछ किया भी नहीं था अगर थक टूट गए थे मुझे लगता है कि ये बंदा त्यार श्यार भी हो जाए ना तो भी बंदा थक ही जाता है यहाँ पे हमारी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है जी पहुंच गए हैं घर थक टूट के हालांकि कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी थक गए हैं बस तैयार होने का ना एक टेक्का ही ऐसा होता है कि बंदा थक टूट जाता है तो बस जी अब हम लोग जो है ना वो अपने बिस्तर पे होंगे जी लम लेट और व्लॉग को करते हैं जी एंड क्योंकि बस होप्स आपका आज का अच्छा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो मस्ट है ना यार लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दो हमें याद रखिएगा बाय बाय बायिज